हेलो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए आज फिर से 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं पहले मैंने परिवृद्ध अंतर्वृद्ध का चार साल का पेपर डाल दिया है जिसको देखना है आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आज से मैं थिव्रम कराने जा रहा हूं प्रमेय जिसका नाम है तो देखिए दो हज़ार में देखिए क्या आया था थिव्रम में देखिए आया है बोल रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि चक्रिय चतुर्भुज के विपरीत कौन परस्पर संपूर्क होते हैं चैप्टर दस का आया हुआ है चैप्टर चेप, दस का थिरोम आया है अड़तीस नंबर देखिए इसमें बीते चतुर्भुज के विपरीत कौन परस्पर संपूरक होते हैं सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिएगा देखिए उसके बाद लिखिएगा प्रदत्त या कल्पना किया कि भी लिख सकते हैं ए बी सी डी एक ब्रीतेष्ट चतुर्भुज है ए बी सी डी एक ब्रीतेष्ट चतुर्भुज हो गया आपका जिसका केंद्र ओ है जिसका केंद्र क्या है ओ है प्रमाणित करना है कि कौन ए बी सी प्लस कौन ए डी सी इक्वल टू तो दो समकोण एक ये नाइन्टी डिग्री का एक ये नाइन्टी डिग्री का इक्वल टू तो दो समकोण हुआ अब बोल रहा है कि कौन, इसी तरह आप दूसरा भी प्रमाणित कर सकते हैं कौन बी ए डी प्लस कौन बी सी डी इक्वल टू तो दो समकोण ये भी आपका नब्बे डिग्री बन जाएगा रचना में क्या करेंगे ओ कॉमा ए ओ से ए को मिलाइए और ओ कोमा सी ओ कोमा ए और ओ कमा सी को मिलाया प्रमाण में ए बी सी चाप पर स्थित ए बी सी चाप पर स्थित परिधि का कौन ए डी सी तथा केंद्र का कौन ए ओ सी है ए बी सी चाप पर स्थित ए बी सी चाप पर स्थित परिधि का कौन ए डी सी तथा केंद्र का कौन ए ओ सी है तो कौन ए डी कौन ए डी सी इक्वल टू क्या हो गया ए ओ सी इंटू वन बाई टू केंद्र का कौन जो होता है परिधि का दो गुना होता है केंद्र का कौन परिधि का दो गुना लेकिन परिधि का जो कौन होगा केंद्र का एक बटा दो होता है इसीलिए यहाँ पे वो एक बटा दो हुआ है पुनः ए डी सी चाप पर स्थित परिधि का कौन क्या हुआ आपका ए बी सी तथा केंद्र का कौन क्या हुआ ए ओ सी तो इसी तरह आप निकाल सकते हैं दूसरा का कि कौन ए बी सी इक्वल टू पुनियुक्त कौन ए ओ सी पुनयुक्त कौन मतलब चार समकोण होता है देखिए समीकरण वन इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को जोड़ने पर क्या पाते हैं कौन ए डी सी प्लस कौन ए बी सी इक्वल टू इसका मान रख दीजिएगा वन बाई टू कौन ए ओ सी प्लस वन बाई टू पुनियुक्त कौन ए ओ सी अब देखिए यहाँ पे वन बाई टू वन बाई टू दोनों में था वन बाई टू को बाहर ले लिए कॉमन ले लिए तो क्या बच गया कौन ए ओ सी प्लस पोन्युट कौन ए सी अब देखिए वन बाई टू इन बोले आपको हम कि ए पुनियक्ट कौन मतलब चार समकोण होता है ए ओ सी और पुनियुक्ट कौन ए ओ सी दोनों मिला के हो गया चार समकोण आपका तीन सौ साठ डिग्री का मतलब तो दो दो ने चार काट दे तो दो समकोण तो आपका ये प्रूव्ड हो गया या इस पर इसी प्रकार आप बी कॉमा ओ और डी कॉमा ओ को मिलाकर कौन बी ए डी प्लस कौन बी सी डी प्रमाणित कर देंगे यही आपका हो गया थ्यूरम पांच नंबर आपका आ गया इसमें आपको टेंशन लेने की दरकार नहीं है आप इसको डबल वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए दो से तीन बार देख लेंगे आपको थ्यूरम किताब में दिया हुआ है लेकिन वो हार्ड लेवल का दिया हुआ है आप जो नॉर्मली हम जो समझाएं उस हिसाब से आप समझ के देखिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सब्सक्राइब करिए धन्यवाद